हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो मैंने क्या फ़ोटो रखा हुआ है। तो गाइस, आज का मेरा जो वीडियो है ये उसी टॉपिक पे, रॉयल पास सीज़न 7। तो बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट अपडेट आने वाला है 0.12.5, उसमें हमारा नया रॉयल पास आ जाएगा सीज़न 7। तो उसमें क्या क्या रिवॉर्ड्स आने वाले और क्या क्या थोड़े नए एक्स्ट्रा चीज़ें आने वाली है, मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो गाइस, पूरा वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मुझे पता चली है, मैं वो सब आपको बता रहा हूँ। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट जो ये देख सकते हो आप, रॉयल पास अवतार फ्रेम सीज़न 7 का जो हमारा फ्रेम होगा वो ये ऐसा दिखता है। मतलब ये देख सकते हो आप, 7 लिखा होगा इस टाइम के जैसा, ये इस बार 6 लिखा था पर्पल फ्रेम पे, और ये नेक्स्ट वाले में 7 लिखा होगा इस सिल्वर फ्रेम पे। तो ये एक फ्रेम आएगा, और एक और जो फ्रेम आने वाला है वो ये वाला है जो आप देख सकते हो, मिलिट्री ऑपरेशन अवतार फ्रेम। तो उसमें नीचे एक छोटा सा थोड़ा लोगो है और बाकी पूरा फ्रेम है। तो ये भी हमें सीज़न 7 में देखने मिलेगा, और उसके साथ और दो नए अवतार भी आए हैं, तो मैं आपको अब वो दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो, पहला अवतार ये है हमारा, एज यूजुअल जो रॉयल पास होगा हम खरीदेंगे तो उसमें हमें एक अवतार मिलेगा। ये रॉयल पास का सीज़न 7 का अवतार है, और उसके साथ ये वाला आया हुआ है, आप देख सकते हो। ये वही लोगो है जो इस फ्रेम में मैंने आपको दिखाया था, आप ये देखो। तो बेसिकली इसका नाम चाइनीज़ में लिखा हुआ है, लेकिन इसका नाम ये ऐसा ही होगा, मिलिट्री ऑपरेशन अवतार। तो ये होगा वो सेकंड अवतार जो आएगा। और फिर गाइस, इसके साथ और भी थोड़ी चीज़ें आए हैं, तो मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगा। ये देखो गाइस, ये आया हुआ है, आप देख सकते हो। हम जैसे ही हमारा सीज़न ख़त्म होता है तो नेक्स्ट सीज़न में हमें एक रिवॉर्ड मिलता है। हम मतलब जितना भी हाईएस्ट टीयर पहुँचे रहते हैं, तो अगर आप सीज़न 6 एज पे पहुँचोगे तो आपको ये 8000 बीपी कॉइन्स मिलते हैं, 8 बॉक्सेस मिलते हैं वो क्रेट। और इस बार एक एक्स्ट्रा चीज़ जो दे रहे हैं वो है ये टाइटल, आपको सीज़न 6 एज ऐसा टाइटल मिल जाएगा, जैसे हमारा ओवर अचीवर ये सब होता है वो वैसा ये टाइटल मिलेगा। 60 डेज के लिए होगा, तो ये सीज़न 7 के एंड तक आप ऐसे उसको इक्विप करके रख सकते हो टाइटल को। और सेम होगा कॉन्कर के लिए, बस उसमें अलग टाइटल होगा। हमें थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती है उसमें, 10,000 हमें बीपी कॉइन्स मिलेंगे, 10 वो क्रेट्स मिलेंगे, और टाइटल मिलेगा सीज़न 6 कॉन्करर का, वो वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा है दिखने में, और वो थोड़ा रेड कलर में भी है, तो ये थोड़ा ज़्यादा फंकी और फैंसी टाइप है। तो ये टाइटल हमें मिल जाएगा, वो भी 60 डेज के लिए ही होगा, पर मोस्टली सीज़न 7 ख़त्म होगा तब तक होगा। फिर गाइज, और अभी जो नेक्स्ट में चीज़ें बताने वाला हूँ वो बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग है, एकदम अच्छे रिवॉर्ड्स है, और कुछ एक नया फीचर भी है, तो वो भी आप अच्छे से देखना। तो गाइज, आपको पता ही होगा वो लैब का जो नया फीचर आया हुआ है, पहले ग्लेशियर M416 थी, फिर वो M416 द फूल वाली आई थी, तो ऐसी अभी उजी आएगी किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। तो गाइज, ये उजी की स्किन बहुत ही एकदम मस्त लगी मुझे तो, और इसके लेकिन आपको पता ही होगा ये पूरा अपग्रेड करने में बहुत यूसी लग जाएगा, क्योंकि उनको वो पेंट्स और वो इक्विपमेंट्स चाहिए रहते हैं, मटीरियल्स। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है, उजी का स्किन कैसा है, और फिर अपग्रेड करोगे तो कैसा होगा। तो बेसिकली अगर हमें स्किन मिली तो ये नॉर्मली ऐसे दिखेगी उजी की स्किन, फिर आगे आप जाओगे तो किल इफेक्ट देख लियो, एक किल इफेक्ट ऐसा होगा, मतलब हम जैसे ही किसी को मारेंगे तो अभी आप देखोगे तो ग्रीन कलर का ये ऐसा पूरा स्मोक आता है, तो अभी अगर आप उस उजी से मारोगे तो ये ऑरेंज कलर का आएगा। वो आप सोचोगे कि ये स्किन ब्लू है और ये ऑरेंज क्यों है, तो गाइस आगे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये देखो, फिर अपग्रेड करोगे तो ये एक थोड़ा सा और एक डिज़ाइन आ जाएगा उस पर ऑरेंज कलर का, तो थोड़ा कलर आते जा रहा है वो किल इफेक्ट टाइप। फिर किल मैसेज आप देखोगे तो ये देखो, आपने देखा होगा UMP में, AKM में, वो जो AKM हेलोविन वाला आया था, फिर UMP था लास्ट सीज़न में, मतलब ये वाले सीज़न 6 में, फिर M416 ग्लेशियर, वो किल मैसेज अगर आपने कभी पढ़े होगे तो आपको समझेगा उजी का ऐसा लिख के आएगा, आप जैसे ही मारोगे तो ये ऐसी लाइन आ जाएगी कलर में। फिर लास्ट जो है वो अल्टीमेट पूरा अपग्रेड अगर आप करोगे तो आप देख सकते हो वो पूरी ऐसे ये ब्लू से एकदम ऑरेंज हो गई, इसीलिए उसका जो मैंने आपको ये बताया था किल इफेक्ट, ये ऐसा है पूरा ऑरेंज कलर, क्योंकि ये फुल फाइनल अपग्रेड होगी तो ये ऐसी दिखेगी, एकदम डेंजरस लुक है। और मुझे स्किन बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि एकदम कलरफुल है और थोड़ी यूनिक है। फिर गाइज, नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो है ये नया गन, इसका नाम आप देख सकते हो, इसका नाम है स्कॉर्पियन। ये बेसिकली एक पिस्तौल में इंक्लूड होता है, लेकिन मैं बोलूँगा ये पिस्तौल नहीं, ये एक SMG टाइप है। अगर आप देखोगे उजी, तो उजी जैसा है ये वैसा ही गन है, इसका नाम स्कॉर्पियन होगा और ये पिस्तौल में काउंट होता है, तो ये बेस्ट चीज़ होगा, और मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट पिस्तौल होगा, क्योंकि इसका नॉर्मली कैपेसिटी होता है 20, लेकिन अगर आपने एक्सटेंडेड मैग ढूंढ लिया तो गाइस एकदम मज़ा ही आ जाएगा आपको खेलने में, क्योंकि इसका एक्सटेंडेड मैग आप जैसे इक्विप करते हो तो इसका कैपेसिटी 20 से सीधा 40 हो जाता है। तो आप इसको एज अ थर्ड वेपन भी यूज़ कर सकते हो बहुत टाइम में, अगर आपके कोई गन रिलोड्स पे चले जाए या कुछ, तो ये वाली गन बहुत इफेक्टिव होगी।
तो ये गन आ रही है, आप देख सकते हो इस पे आप बहुत सारे अटैचमेंट्स भी लगा सकते हो। स्टॉक होगा वो होगा उजी का, फिर फोर ग्रिप लगा सकते हो आप। बेसिकली आई गेस सब नहीं लगा पाओगे, कोई कोई लिमिटेड फोर ग्रिप्स होगी, या तो इसका वो अलग ही कोई फोर ग्रिप हो सकता है मे बी। फिर मैग लगा सकते हो आप, मजल भी लगा सकते हो, और एक साइड मतलब साइड तो बेसिकली रेड डॉट ही होगा क्योंकि ये एक पिस्तौल है। तो गाइज़ ये एक नया गन आ रहा है नेक्स्ट अपडेट में। फिर गाइज़ रॉयल पास के जो हमें रिवॉर्ड्स में, मुझे लग रहा है ये एक जो आउटफिट है आप देख सकते हो, ये आउटफिट हमें मिल जाएगा रिवॉर्ड्स में। बेसिकली बीच बीच में हमें एक दो ऐसे आउटफिट्स मिलते रहते हैं, वैसे तो तीन या चार मिल जाते हैं, तो ये भी मुझे लग रहा है ये बीच में कोई तो रैंक पे हमें ये वाला आउटफिट मिलेगा। और गाइज लेवल 100 पे भी इस बार आउटफिट ही है, मैं आपको बताऊंगा वो आउटफिट कौन सा है। पहले गाइज आप ये सब देख लो, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ये जो रिवॉर्ड्स सब है। तो आप देख सकते हो हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस है। बैकपैक का स्किन है राइट में, फिर एक ये यूएस का स्किन है, फिर यहाँ पे आई गेस ये कार 98 है यूएस के बाजू में, फिर उसके ऊपर AKM का स्किन है, और लेफ्ट में आप देखोगे तो दो लेजेंडरी आउटफिट्स मिल रहे हैं, और फिर हेलमेट का स्किन है, और उसके नीचे एक और आउटफिट ही है बेसिकली। और बीच में और भी दो चीज़ होगी जो हमें इस पिक में दिख नहीं रही क्योंकि ये लोगो आ रहा है बीच में। तो गाइज ये और थोड़े रिवॉर्ड्स हो गए जो हमें मिल सकते हैं। फिर गाइज अब आते हैं रॉयल पास, जो हमारा कैसे पूरा लोड होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट हमें ये, हम जैसे RP खरीदेंगे तो ये वाला आ जाएगा, खरीदेंगे नहीं तो भी हमें, हम जैसे RP पे क्लिक करेंगे जब RP आएगा तो फर्स्ट ये आएगा, फिर सेकंड आप देखोगे तो ये है। ये गाइज बेसिकली इस बार के लेवल 100 के आउटफिट्स है, मतलब हमें जो सीजन 5 में जैसे दो चॉइस मिला था इस बार भी ऐसे होगा। ये अर्बन स्कैवेंजर और असॉल्ट स्क्वाड, ये दो है, हमें इसमें से एक चूज़ करना होगा मोस्टली, और आपको आपके पास चॉइस होगा जो आपको चाहिए आप वो ले सकते हो। दोनों मुझे अच्छे लगे क्योंकि थोड़े अलग है मतलब डिज़ाइन, लेकिन गाइज मुझे जो एक चीज़ चाहिए, ये लोग सब ब्लैक आउटफिट्स ही देते हैं मोस्टली जो भी अच्छे वाले होते हैं। तो अगर कुछ अलग कलरफुल टाइप दे, ग्रीन या ऐसा कुछ जो ग्रास में मतलब का हमें हाइड कर पाए, तो वैसे आउटफिट्स हमारे काम के भी आएंगे। ये ब्लैक वाले मोस्टली सब जगह दिख जाते, तो यही एक प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है ये आउटफिट्स अच्छे तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। फिर उसके बाद देखो 600 UC का हमें RP बाय करना होगा एज़ यूजल। फिर हमें ये प्लेन स्किन मिल जाएगी रिवॉर्ड्स में, और एक नया जो फीचर टाइप उन्होंने डाला है वो आप देख सकते हो, हम जैसे ही प्लेन से जंप करेंगे तो हमारे जो पैर है उसमें से ये एक स्मोक टाइप निकल रहा है पिंक कलर का। तो हम लैंड करेंगे ना, जैसे ही मतलब हम पैराशूट से कूदते तो पूरा ग्लाइडिंग होता है ना, तो तभी हमारे लेग्स में से ये स्मोक टाइप निकलेगा। ये एक थोड़ा नया टाइप का उन्होंने फीचर डाला है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये थोड़े रिवॉर्ड्स है, वो जो हेलमेट का स्किन दिख रहा था उस फोटो में ये रहा वो। फिर आप देख सकते हो कार 98 का स्किन है, AKM का है, ऊपर पैराशूट का है, और वो बैक का भी स्किन है, और ये एक हेलमेट का थोड़ा टाइप है कुछ, मे बी मास्क है, ये हेलमेट तो नहीं होगा। फिर ये रहा रॉयल पास 7 उसका लोगो। और गाइस अब इस पे आते हैं, ये बेस्ट मुझे लगा फीचर उन लोग डाल रहे हैं, मतलब ये उनका एक यूसी गेन करने का एक ट्रिक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये फीचर थोड़ा अच्छा है इसमें, मतलब न्यू फीचर है और अच्छा टाइप से उन्होंने पूरा कंडक्ट किया है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, बेसिकली इसको बोलते हैं RP इजी मिशन लाइसेंस। तो इसके तीन टाइप के लेवल्स होंगे, Perk 1, Perk 2, Perk 3। वो अभी कैसे क्या क्या है वो आगे मैं एक रूल्स लिखा है उन्होंने, मैं आपको पढ़ के पूरा बताता हूँ। तो आप देखोगे तो ये देखो Perk 1 में लिखा हुआ है, वीकली चैलेंज मिशन आर अनलॉक्ड 1 वीक अहेड बिगनिंग एट वीक 1, ऑल चैलेंज मिशन आर अनलॉक्ड बाय वीक 7। तो बेसिकली Perk 1 का जो हमें एडवांटेज मिलेगा वो क्या होगा, हमें जो नेक्स्ट वीक के मिशन है वो हम 1 वीक पहले ही अनलॉक कर सकते हैं। तो अभी समझो आज आपका रॉयल पास स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो आपको अगर आप वो ये इजी मिशन लाइसेंस खरीदोगे ना, तो आपको वीक 1 में ही वीक 1 के प्लस वीक 2 के मिशन मिल जाएंगे, फिर वीक 2 में आपको वीक 3 के मिल जाएंगे। तो ऐसे आप वीक 8 के मिशन वीक 7 तक ख़त्म कर सकते हो, तो आप 1 वीक पहले मिशन ख़त्म कर पाओगे। मतलब बेसिकली ये एक उनका टैक्टिक है यूसी थोड़ा यूज़ कराने का हमसे, और हमें मिशन थोड़ा जल्दी देने का। तो ये Perk 1 हो गया। फिर Perk 2 है, 2 फ्री मिशन कार्ड्स ईच वीक बिगनिंग एट वीक 1 अंटिल द एंड ऑफ सीजन, मिशन कार्ड्स फॉर ईच वीक कैन बी कलेक्टेड ड्यूरिंग दैट वीक। तो बेसिकली वो हमें हर वीक में 2 मिशन कार्ड देंगे, हमें रिवॉर्ड्स में तो बेसिकली मिलते ही है RP के, लेकिन वो हमें वीक में भी 2 फ्री अगर ये हम खरीदेंगे ना,
तो हमें दो फ्री ये ऐसे मिशन कार्ड्स मिलेंगे हर वीक। तो आप बेसिकली 8 वीक्स में 16 एक्स्ट्रा मिशन कार्ड्स गेन कर सकते हो। तो आपको फटाफट करना हो तो आप वो कर पाओगे उसमें। फिर पर 3 स्किप द 10 मिशन रिक्वायरमेंट इन वीक 8 एंड ओपन द एलिट चेस्ट ऑफ द वीक डायरेक्टली। तो बेसिकली आपने देखा होगा हम हर वीक में जब 10 मिशन्स करते तो लेफ्ट में एक बॉक्स आता है वो क्रेट, उसको ओपन करते तो हमें 200 RP मिलता है उसमें से। तो इसमें होगा क्या, हमें आप देख सकते हो आप ये खरीदते हैं तो वी मिशन जो है 1 वीक अर्ली मिलते हैं। तो अगर हमें वीक 7 तक हम जाएंगे तो हमें अरे वीक 8 के मिशन हो गए रहेंगे, तो वीक 8 में हमें मिशन मिलेंगे ही नहीं टोटल 10, क्योंकि वीकली एक एक डेली एक एक मिल जाएगा तो टोटल 7 ही होते हैं। बेसिकली उनका पर्क 3 ये है कि हमें वीक 8 का जो मिशन क्रिएट होता है वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, हमें कोई मिशन नहीं करने पड़ेंगे, वो डायरेक्टली चेस्ट जो है क्रिएट वो हमें मिल जाएगा और हम उसको ओपन करके वो 200 RP कलेक्ट कर सकते हैं। फिर परचेज पर ये देख लो, द मोर कंजेक्यूटिव RP परचेजेज यू मेक द चीपर द इजी मिशन लाइसेंस बिकम्स, बाय 3 कंजेक्यूटिव रॉयल पासेज टू गेट द इजी मिशन लाइसेंस फॉर फ्री स्टार्टिंग विद सीजन 7। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका देखोगे अगर ये वाला फोटो तो आप देख सकते हो नीचे ये लिखा हुआ है RP1 RP2 RP3। तो इसमें क्या, अगर हम ये इस सीजन से चालू होगा ना सीजन 7 से, तो अगर आपको ये लाइसेंस सीजन 7 में लेना है तो आपको 300 का मिलेगा। फिर आप सीजन 8 में लोगे तो ये 150 का होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा प्राइस। और 9 में अगर आप लोगे ना सीजन 9 में, तो आपको ये जो इजी मिशन लाइसेंस है ये फ्री में ही मिल जाएगा। इसका मतलब ये है उन्होंने जो लिखा है, मतलब वो बाय 3 कंसेक्यूटिव रॉयल पासेस तो उसका जो हमारा प्राइस है वो चीप होते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। और आगे एक और इसका थोड़ा लिखा हुआ है वो देख लो, नोट यू कैन ओनली परचेज और कलेक्ट योर इजी मिशन लाइसेंस इफ़ यू हैव परचेज द रॉयल पास फॉर द करंट सीजन। तो ये बेसिकली मतलब लॉजिकल है, अगर आप RP लोगे तो यहाँ पे इजी मिशन लाइसेंस यूज़ कर पाओगे, नहीं तो आपका कुछ यूज़ होगा ही नहीं। तो उन्होंने वही बोला है कि अगर आप रॉयल पास खरीदते हो तो आप ये इजी मिशन लाइसेंस जो है वो बाय कर सकते हो। तो गाइज यही सब लीक्स जो थे मुझे मैंने आपको बता दिए। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।